पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया करके ये वीडियो का रिएक्शन देखने से पहले ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ जो भी आपके पास है उसे प्लीज कृपया करके अपने कानों में लगाएं, उसके बाद वीडियो का आनंद लें, वरना कहीं से भी चप्पलों की या गालियों की बहार आ सकती है और उसमें मेरा या कैरी का कोई भी लेना देना नहीं होगा। चैनल मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी प्यारी दोस्त शिखा। सो होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो यार देखो बैकग्राउंड भी चेंज है कुछ, मतलब थोड़ा सा ना मेरे शिफ्टिंग वगैरह का चल रहा है अभी काम वगैरह, उस चक्कर में कोई फिक्स जगह नहीं मिल पा रही मुझे शूट करने के लिए। एंड यू गाइस आर डोंट बिलीव अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, 2:30 बज रहा है लिटरली। अगर आप लोगों को दिख रहा हो इसमें, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बाकी मैं मोबाइल का भी दिखा दूंगी आपको। 2:30 बज रहा है और मैं रात के लिटरली 2:30 बजे शूट कर रही हूँ, क्योंकि यार मुझे थोड़ा सा दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे जब टाइम मिलता है मैं शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट कर, मतलब जैसे ही मैंने सेटअप किया एंड शूट करने बैठी, कुत्ते इज लाइक भाव 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 चालू हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार मैं शूट, मुझे बस ये लग रहा है कि अगर शूट के बीच में आपको कुत्तों की आवाज़ आती है ना, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना यार। एंड प्लीज़ देखो मैं कितनी आलसी हुआ करती थी और अब मैं कितना ज़्यादा लाइक कितनी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। सो 2:30 बजे रात को शूट कर रही हूँ यार, कोई ऑब्वियसली कुछ तो स्पेशल है जो मैं शूट करने बैठी हूँ। सो ये सारी हो गई मेरी बकवास, जो कि एज वेल आप लोगों को आदत पड़ गई होगी मेरी बकबक की। सो हम लोग करने वाले हैं कैरी मिनाटी, जो कि इंडिया के फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है, जिनका जिनके 30 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। माय गॉड गजब है बंदे, रोस्टिंग का उनका नंबर वन चैनल है इंडिया में। मतलब लाइक उनका रोस्टिंग करने का तरीका ही अलग होता है। एक होता है हमने बोल दी और सामने वाले की मतलब बोलते ना बात से ही हम सामने वाले की एकदम उतार के रख देते हैं, तो ये वही काम करते हैं। शायद ही कोई बंदा होगा जो कैरी मिनाटी को नहीं जानता होगा, शायद ही कोई होगा। एंड आई थिंक यस ही और शी इज वेरी अनलकी अगर वो उसे नहीं जानते तो। सो कैरी मिनाटी का आया है, सबको पता है कि ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं इनकी वीडियोज बहुत लेट आती है, तो यार उन पर रिएक्ट करना तो बनता है। सो कैरी मिनाटी का लेटेस्ट वीडियो आ गया है द लैंड ऑफ कैरी मिनाटी के लैंग्वेज में द लैंड ऑफ बिग बॉस। जैसे हम सब जानते हैं बिग बॉस को रोस्ट करना कैरी मिनाटी इज लाइक उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। सो करेंगे हम लोग उनके रोस्टिंग पर रिएक्शन, वाओ। सो हम लोग करेंगे कैरी मिनाटी की लेटेस्ट वीडियो पर रिएक्ट। यार ऑलरेडी वीडियो बड़ी होगी और मेरी इतनी ज्यादा बकबक हो गई, आप लोग बोर मत होना, स्किप मत करना वीडियो, प्लीज एंड तक देखना। सो मैं ज्यादा बिना टाइम ज्यादा खराब किए हम लोग चलेंगे डायरेक्टली वीडियो पे। सो तैयार है आप लोग? तैयार है, चलिए चलते हैं। दो वीडियो डाउन कर दिया और 5-6 वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दिए। डाउन ही कर दिए, मैं खुद को समझ में नहीं आ रहा भाई, इन्होंने तो हद ही पार कर दिया यार। और क्या क्या है रीजन वीजन कुछ है? रीजन तो भाई क्या है, वो ये रीजन जो हर बार होते हैं, हमारा रूल है भैया हमारा प्लेटफॉर्म है, और बहुत दुखी कर रखा है यार, डाउन का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सही में भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए लिटरली। Your content violates YouTube community guideline and has been removed. वो तो सेम ही है जो हर बार होता है, नया नहीं है। तो दिमाग खराब हो रहा था, मैंने कहा तेरा शेयर कर लूं भाई। Enjoy to enjoy carry minority see attach, ये क्या है? क्या पढ़ रहा है तू? ये क्या है? अच्छा रोचेस। पता नहीं भाई। अटैचमेंट में वीडियो है, खोल तू मोबाइल पे, मैं भी मोबाइल पे देखता हूं यहां इको होगा। ठीक है। मुंह कैसे बना रखा है? सी क्या सीन है? मुंह कैसे बना? ये क्या है? What the fuck? किसने बकवास दिया जे? What the fuck? What the fuck? अरे भाई ये कहाँ का सीन है तेरा, क्या सीन है ये? मैं नहीं हूँ ये भैया, मैं नहीं हूँ ये, मैं नहीं हूँ ये। तुझे और यश को मैंने 36,000 बार चीजों के ऊपर समझाया है कि भाई अपनी चीजें बंद कर दिया करो, पीसी बंद कर दिया। मैं नहीं हूँ ये, मैं बता रहा हूँ मम्मी कसम भैया, मैं नहीं हूँ ये, मैं नहीं हूँ। मुझे फोन मिला दे उसे, मुझे बात कर। नहीं 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 रुको, मैं लाता हूँ, आप रहने दो, मैं मिला रहा हूँ। मिला 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 यार कैमरा। नरक की पूरी को बना रखी।
आज गजब हो गया। मेरे मेल में एक पॉर्न वीडियो आई है जिसका हीरो मैं हूँ। अच्छा, आप मुझे वीडियो फॉरवर्ड कर दो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कहाँ डालनी है। अपनी गांड में डाल ले। अबे गधे, जिसने ये कांड किया उसे पकड़ जाके। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं करवाता हूँ। करवा मत, खुद जा और पकड़ बैंड। मैं शैतान हूँ और तुम अंडरवर्ल्ड में हो। तो पबजी अनबैन करा के दिखा भाई, मुंह की बात छीन ली। चूतिया गेम है, उससे बढ़िया फौजी है। हंसना बंद कर, असली शैतान में से फ्यूम्स निकलते हैं, तू बस एक फोन अभी है। भाई मुंह की बात छीन ली। ओ ओ ओ ओपी भाई ओपी, कैसे किया, एक और बार करना। नहीं, अरे प्लीज शैतान भाई, प्लीज यार एक बार भाई, लव यू भाई, दिल से यार, दिल से। अबे यार हट, मजा नहीं आया, पहली वाली बात ही नहीं है। सबका अपना टाइम होता है, इसका गया। भाई मुंह की बात छीन ली। अब एक बार उठते हुए प्लीज। नहीं भाई, 400 लोग देखेंगे, प्लीज भाई, प्लीज शैतान भाई। रहने दे टीनू, वैसे भी आग निकालने से कोई शैतान नहीं बन जाता। प्रभजोत, अब प्रभजोत भी शैतान है। हेलो, कहां तक पहुंची कहानी? आप टेंशन मत लो, मैं करवा रहा हूं ना। फट गई है ना तुम्हारी, एक सिचुएशन हैंडल होती नहीं है, बात के एजेंसी हो तुम। और तू क्या करता है पूरा दिन, उस कुर्सी पे बैठ के फोन चाटता रहता है, क्या ही जिंदगी है तेरी। बाप का धंधा करना नहीं सोचा, स्टार्टअप खोलेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे भोसड़ी के। एक काम कर, तू नीचे से चालू कर, पहले कुत्ता संभाल, फिर खरगोश, चिड़िया, रख सके तो बंदर रख लियो, क्योंकि मैं तो रहने वाला हूँ नहीं। हेलो कैरी। हाँ जी, मेरे टॉयलेट की फ्लश साउंड तेरे वीडियो से ज्यादा फनी है। अब ये चिल्ला के गाली देगा और सारे बच्चे हंस पड़ेंगे। ओ शिट, कैरी तू मुझ पे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं बना देगा? आई एम सॉरी, आई टेक इट बैक, मैं तुझे गाने का एक और चांस नहीं देना चाहता। 2016 में सही था, अब तो बस पैसे कमा रहा है। ये थर्ड क्लास से एनिमेशन ही देख लो, 4 महीने लगा दिए। मुझे तो ये बिट समझ में भी नहीं आया। भाई मुंह की बात छीन ली। धीरज ब्रो, इस व्लॉग में लो-फाई बीट्स डाल दियो और सैम गोल्डन वाली ट्रांजिशंस। वीडियो हाईली एडिटेड लगेगी। टीनू, मैं डीप फेक्स कर सकता है। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट माय एडिटिंग। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट माय रिएक्शन। सम वो हां स्पेंड के लिए। बच्चों, तुमने आज वो कर दिखाया जो मैं भी नहीं कर सका। तुमने इतनी चूतिया बात करी कि सामने वाले का मुंह ही बंद हो गया। भाई बीच में बहुत कट आ रहा है भाई, अभी वो किक नहीं आ रहा भाई, एक बार लाइने याद करके बोलो ना। अबे लाइने याद नहीं की जाती, मारी जाती हैं। धरती पुत्र धीरज, धरती पुत्र टीनू और धरती पुत्र प्रभजोत, अगर तुम इस कला को अपना धंधा बनाना चाहते हो तो लो इस कागज पर दस्तखत कर दो। बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। एक्सप्रेशन क्यों नहीं बन रहा? क्या बेंच?
बिग बॉस जाने का क्या फायदा हो रहा है? कभी ये खबर आई है बिग बॉस से निकले प्रतियोगी शाहरुख खान के साथ मिली पिक्चर, या बिग बॉस से निकले प्रतियोगी बीटीएस में मिला दाखिला? नहीं। हाय गाइस, चेक आउट माय न्यू म्यूजिक वीडियो विद टी सीरीज एंड 25 भांग भोसड़े जो से प्रमोट कर रहे। बस खत्म, दी एंड, बर्फ पड़ गई बहनचोद। फिर अगले साल फिर बिग बॉस, यही साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक बिग बॉस इन्हें नहीं चूस लेता या ये बिग बॉस को नहीं चूस लेते। वरना ऐसे तो मैं भी चले जाता, पर मेरी इंस्पिरेशन टोनी कक्कड़ की वीडियो में आना नहीं है। बहुत ऑप्शन है, मैं पंजाबी लेबल चूस लूंगा। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। हमारे पहले सेलेब्रिटी स्किपी है एजाज खान। वो वाला नहीं, ये अलग है, सिर्फ दिखने में। वो वाले की तरह इसकी भी फट जाती है आवाज। बिग बॉस घर के आसपास की प्रॉपर्टी बहुत सस्ती होगी, साउंड ट्रैफिक इतना है, वहां तुम सोने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ रात के 2 बजे गान तक का जोर लगा के परफॉर्मेंस चल रही है। एजाज लौंडा है, स्पोर्ट्स प्लेयर, हर टास्क से पहले स्ट्रेटजी बनाता है। अपन एक कॉलर रखते हैं, कॉलर ऑफ स्ट्रेटजी। सो व्हेन आई स्क्रीम 8 रेड लुक एट मी फॉर मी टू कम आउट ऑफ देयर जोन एंड यू एंटर। 8 रेड, 8 रेड, ठीक है? ठीक है, अब आओ इसे एक्शन में देख लेते हैं। बिग बॉस का अमेरिकन फुटबॉल, ये सही है। कल को मैं चेस खेल रहा हूँ, गीटियों पे हाथ मार दूंगा। क्यों? कॉलर ऑफ स्ट्रेटजी। अच्छा हुआ ये प्रधानमंत्री नहीं है, वरना 8 देशों पे हमला करके बोलता। कॉलर ऑफ स्ट्रेटजी। 8 रेड बेंच। एजाज हर हफ्ते पैसन की ट्रिप चढ़वाता है, इसे कोई भी गेम खिला लो ये इतना खुश दोनों टीमों से खेलेगा। एजाज एक ऐसा लौंडा है जो एक अपाहिज औरत से शादी करेगा क्योंकि उसे फिजिकल चैलेंज पसंद है। तो कुल मिला के इसमें और वो वाले में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सीधा सीधा कॉपी पेस्ट। हमारे दूसरे सेलेब्रिटी स्किपी है जान। इसके पास पर्सनालिटी के नाम पे 2 नेटफ्लिक्स अकाउंट है जो पापा के कार्ड पे चल रहे हैं। इसके बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है पर उसमें ह्यूमन नहीं आता। इधर आजा, इसकी और कोरोना दोनों की एक ही दिक्कत है, लेता ही नहीं है कोई सीरियसली। लेकिन जान की जान में जान तब आती है जब जान की जाने मन बनती है, फिर जान कुछ नहीं जानता। मौसम वक्त होना हो चिपकने की कोशिश जरूर करेगा। मैं जानता हूँ, चलो दिल से बुरा लगता है यार, लेकिन कोई बात नहीं, पॉइंट्स कोशिश की होती है और कोशिश कहती है मुझे दोबारा करो। रेड पिच रहेगी, रेड पिच रहेगी। आप तो मेरे भाईजान हो, आप तो मेरे भाईजान। सारे लौंडो की नेशनल रिप्रेजेंटेशन है ये, इतना अकेलापन अपने दोनों हाथों के नाम रखे हुए हैं। रैम्बो थक जाए तो चार्ली, कभी कभी सिर्फ चार्ली, फिर रैम्बो थर्सडे, संडे चार्ली। मेरा मतलब है ये लौंडाई जात रैम्बो चार्ली से आगे नहीं बढ़ पा रही है, बल्कि यूट्यूब पे आत्मनिर्भर बनने के ट्यूटोरियल चल रहे हैं। हाउ टू सक योर ओन डिक। शाबाश, मैं एक साधारण चूतिया होता तो पूछता ये वीडियो क्यों है, पर मुझे दिक्कत है सालों ने क्लिकबेट किया है, बताया नहीं, साले बताते तो सही। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इनके हिसाब से जीतने वालों की जबान बाहर नहीं होती। हमारे तीसरे सेलिब्रिटी का नाम इस पूरे देश में सबसे अनोखा नाम है राहुल। राहुल, 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 अरे राहुल। ये हमेशा ऐसी थूथ बना के रखता है जैसे बाप अपने बच्चे को खेलते हुए देख रहा हो। कहाँ बंदा गाना बनाता था, हिट सॉन्ग दे अबे इतनी पल के भीचेगा लंड से ज्यादा माथे पे नसें आ जाएंगी। अक्षय कुमारी देख लो, ये बिग बॉस का बैक बेंचर है, गाना वाना आता, पढ़ाई नहीं होती बेंच। एनीवे कांग्रेचुलेशंस आप तीनों को। राहुल जी सर, राउंड खत्म नहीं हुआ था हमारी तरफ से, सिर्फ आपसे यही कंफर्म करना था कि आप कोशिश भी नहीं करना चाहते थे ना? सर नहीं, कोशिश मैं बिल्कुल कर। बैक बेंचर काम शून्य बहाने 50, बिग बॉस परेशान कर दिया। वो सोच रहा भोसड़ी के मैं अध्यापक थोड़ी ना, कंटेंट भी अब निकलवाना पड़ेगा क्या? अबे यार पहले के दिन सही थे, बर्तन फेंक के मारते थे फिर कट हो जाता था, अब साले टास्क ही नहीं करते, सॉफ्ट हो गए। वहां आलू प्याज ठूसते रहते हैं, टीआरपी गिरती रहती है, और इसकी बैक बेंचरी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या राहुल वैद्य आप इस घर को छोड़ के अपने घर जाना चाहते हो? जी हाँ।
सॉरी सॉरी बिग बॉस सॉरी। खुद ही छोड़ के चला गया। क्या बात है, शायद इस चैनल पे पहली बार किसी की तारीफ होने वाली है। राहुल वैद्य रिस्क। आप कह रहे हो कि आप घर में जाना चाहेंगे? जी सर। I am so happy to see you all. ये क्या था बहन? Caller of strategy. चूतिया काट दिया। मुझे समझ में नहीं आती है, जो जा रहा है वो नहीं जा रहा है, जो आ रहा है वो पहले जाएगा लेकिन फिर वापस आ जाएगा, और जाने वाला जाकर आ जाएगा ताकि आने वाला जाने वाला दोनों साथ जा सके। इससे बढ़िया पोर्ट्स के पेपर दे देता, मरने की वजह सेंस तो बनाएगी। अबे सोशल मीडिया के जमाने में लोगों में सब्र नहीं है, सबको टाइम पास करना है और साथ में पैसे भी चाहिए। तो विंजो ऐप डाउनलोड करो, टाइम पास भी हो जाएगा, साथ में पैसे जीतने का मौका भी मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कैरम, पूल, फैंटेसी स्पोर्ट्स, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप से लेके कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर तक 70 ऐसी गेम्स हैं जिन्हें खेल के तुम पैसे जीत सकते हो। फिर पेटीएम, बैंक, यूपीआई में विड्रॉ कर लो। विंजो स्टोर पे अलग कहानी चल रही है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड, डिस्काउंट में फ्री फायर जैसे गेम्स के डायमंड। बाकी खुद जाके देख लो ना, सब कुछ बताना पड़ता तुम्हें, फिर तुम स्किप कर देते हो। अब जो बाहर के रियलिटी शो होते हैं, वहां के प्रतियोगी कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं। Well done. Thank you. और यहाँ टीम बी विजेता रहे। इन्हें हर छोटी मोटी चीज पे उछलना है। बिग बॉस ने घर थोड़ा सा सजा दिया। दो बॉलीवुड एक्टर आ गए। वो इम्यूनिटी देने आए हैं। लेकिन सिर्फ लड़कियों को, क्योंकि आज विमेंस डे है। हमारी अगली सेलिब्रिटी है जस्मीन। जैस्मिन, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो किसी आदमी से डर के कुछ छोड़ दूँ। जस्मिन छोड़ दे लड़की का बाबा। अरे जैस्मिन, इसे वही चीजें पसंद है जिससे ये बोर हो जाती है, बस उसमें कुछ अलग कर दो। शोले हिंदी में, चलो जापानीज में देखते हैं। वाताशी नो सेंटो नोरियोकु वा सम्मन देस। देवा यारासेते इतादाकिमास। ई देशो। कोनो टोकी गा कुरु नो 50 मत्ते आगेमासु का। सोचा तो 10 मिनट ग्राई वा शोले जापानीज में देखूंगी। अब देखो, इमोशन की दो स्टेजेस होती हैं, तैरना और बहना। जैस्मिन डूब चुकी है। बच्चे खुलेगी मेरी जान, खुलेगी सारा खुलेगी, ऐसे नहीं लो। देख अभिनव की खुली है ना, तेरी भी खुल जाएगी। आंखें इसकी नहीं खुल रही, बर्बाद ये हो गई। इन्हीं हरकतों की वजह से लोग कमेंट करते हैं। ज्वेलरी की फालतू मेकअप लगाए, वो एक्टिंग नहीं होती, और सिर्फ रोना एक्टिंग नहीं होती। लाइक इफ यू एंजॉय डी। हमें बनाती है हमारी संगति। जैस्मिन कहला है उससे भी ऊपर है। अबे क्या कर रहे हो बे, पारिवारिक शो है, परिवार को सुनने तो दो। माइक कितना छरपर कर रखा है। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छे बेटे, घटिया सोच थू। पॉज कंटिन्यू। मुझे सोच रहे इसके, मुझे खुद रोना आ रहा है। प्रीतमपुरा ड्रामा एकेडमी के बच्चे कितना आगे पहुंच गए हैं, साक्षात सेलेमेंडर भाई के सामने ऑडिशन दे रहे हैं। ट्यूबलाइट दी रिटर्न में सपोर्टिंग रोल डन। बाकी घर वाले खुंदक में खड़े होकर सोच रहे हैं साला पूरा वीकेंड चूस गया। अबे यार फिर गेम चेंज करनी पड़ेगी। अब एक साधारण बिग बॉस प्रतियोगी क्या सोचता है, बिग बॉस चले जाते सही है, ले जा नहीं सकते, डिटॉक्स हो जाएगा। इससे चूतिया बात कुछ हो नहीं सकती, मतलब कोकेन करनी चालू करती ताकि सुट्टे छूट जाए, फिर जेल में जाकर छुप गए ताकि पुलिस ना ढूंढ पाए। तभी बिग बॉस जाने के पूरे पूरे हकदार हैं ये। तुम्हें तुम्हारा बिग बॉस मुबारक बहचोद। हमारे अगले सेलिब्रिटी को तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानती। मैं कौन हूँ? 2013 में इसकी बायोपिक निकली थी जिसका नाम था एक थी डायन। माना जाता अगर तुम्हें डायन का असली रूप देखना है तो तुम उसे बुरे चुटकुले सुनाने चाहिए। नहीं समझे? मैं कल एक बॉय से लड़ पड़ा, उसने मेरे ब्लैडर की जगह फेफड़ा लगा दिया और लिवर की जगह किडनी। डरने की कोई बात नहीं है, ये भूत प्रेत डायन चायन कुछ होते नहीं है, बड़े बूढ़ों की बातें हैं ये। यही सोच डायन को सबसे ज्यादा पसंद है, वरना मजे कैसे आएंगे, सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। एक डायन का दिन इंसान जैसा ही होता है, सबसे पहले उठ के मॉर्निंग वॉक।
फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, नाश्ता, डांस प्रैक्टिस। मेरे सैया जिससे आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, अब चलो काम पे। क्या यार ये बंदे, ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग। शाम आसमान में देखो, बस आसमान, सिर्फ आसमान। वाओ प्रभु, राखी की पर्सनालिटी ट्रायंगल की तरह है, आओ उसे समझने के लिए बोर्ड पे चलते हैं। आ जाओ पट्टा पार्टी, सब आ जाओ, सबको समझाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट। RPT, राखी पर्सनालिटी ट्रायंगल, इसकी कितनी साइड है? तीन साइड है। बकचोदी, बदतमीजी, भेड़ापन। क्या है बच्चों? बकचोदी, बदतमीजी, भेड़ापन, यानी बकचोदी स्क्वायर इज इक्वल टू बदतमीजी स्क्वायर प्लस भेड़ापन स्क्वायर, विच इज आल्सो द फार्मूला ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी। इसे अवॉइड करने के लिए बना देते हैं सेंसर की परपेंडिकुलर लाइन, ताकि बकचोदी हमेशा राइट एंगल बनाए। अब राखी या तो बदतमीजी बकचोदी करेगी या भेड़ापन बकचोदी करेगी, तीनों साथ में नहीं करेगी। अब बच्चा पार्टी, में तुम्हारी सोच की तरह इस ट्रायंगल की पोजीशन टेढ़ी कर दूं तो वो तब भी उतनी ही वाई याद रहेगी। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे लंबी लाइन अभी भी बकचोदी की है। थैंक यू राहुल फॉर द 40 rupees सुपर चैट, भगवान आपको खुश रखे। अब जिस जिसको डाउट, चलो यार बस आज के लिए हो गया दिमाग खराब। अरे बहनचोद, अभी स्पेशल मेंशन रह रहे हैं, हमारी पहली और आखिरी स्पेशल मेंशन है रुबीना। बिग बॉस, वी वांट डॉक्टर SOS, प्लीज, आई वांट डॉक्टर। डॉक्टर गया सिलेंडर लेने, इसके लिए पुजारी बुलाना पड़ेगा, मेडिकल विज्ञान पे कल इसका इलाज नहीं है। अनपढ़ आए सब यहाँ के, सबके सब अनपढ़ हैं, ब्लडी दिखता नहीं क्या क्या लिखा है उसमें। फॉर इट नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर इन द नेम ऑफ गेम। इसे कोई राखी के साथ चिल करवाओ। अबे कच्चे खिलाड़ी है यार ये, ऐसे चिल्लाने से कोई रियलिटी शो नहीं जीतता, इतना खोखला नहीं है बिग बॉस। द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 14, रुबीना दलेश। हैं? मुबारक, अब इंतजार करो, कक्कड़ परिवार का फोन आएगा। अब बिग बॉस और YouTube में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक बात के लिए लड़ते हैं, जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है। लेकिन जब बात प्रतियोगी पे आती है, भाड़ में गया कंटेंट, फिर प्रतियोगी रोता रहता है कि सालों हमको 70% को काटना पड़ता है, क्यों दिखाई नहीं सकते हम। और फिर ये कहते हैं, जो आप करोगे, जो आप करते आए हो वो ही दिखा रहे हैं। मेरे से ये सब और झेला नहीं जाता है, तभी मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब छोड़ दूं, स्टैंड अप ट्राई करते हैं। क्या हाल है? मैंने कल सब्जी मंडी गया ऑटो से। मैंने कहा भैया सब्जी मंडी चलोगे? हाँ भैया बिल्कुल चलेंगे, 2 किलो प्याज मुझे भी लेनी है। ऑटो वाला 2 किलो प्याज ले रहा है, मैं खुद 1 किलो ले रहा हूँ यार। मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया, मैंने सारी सेविंग्स लगा दी, 4 किलो प्याज ले आया, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई यार। मैं ना कभी नहीं चाहता मैं भाई के नाम से जाना जाऊं। सोचो शो के बाद तुम में से किसी के साथ मेक आउट कर रहा हूं और तुम बोलो यू आर सच अ गुड किसर भाई। जो कि मैं हूं लेकिन सिर्फ अपनी बहनों के लिए। क्या हो गया भाई? वैसे YouTube ही कर लेता हूं, कंटेंट अपनी जगह, बाप रे बाप, जान अपनी जगह। मेरे बाप पे मत जा, तेरी औकात नहीं है। बस यार बस, कितना खाओगे, आंड का आंडल हो गया है। लेकिन यार देखो, जितने भी लोग इस वीडियो में दिखाए गए हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। अगर तुम सोच रहे हो उनके कमेंट सेक्शन में जाके बकचोदी करते हैं तो कोई इज्जत नहीं मिल रही, कोई खुश नहीं हो रहा, लेकिन तुम मुझे खुश कर सकते हो। विंजो ऐप डाउनलोड करो, उसके 2 कारण है, पहला तुम्हारा भी फायदा है और दूसरी बात
मैं चाहता बहुत हूँ पर वीडियो बनाने के पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो डाउनलोड करो यार। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक। इफ यू वांट रियल कंटेंट, असली टैग फनी कंटेंट, देन फॉलो आवर रेडिट पेज अनकैनी रोचेस। कैरी को नहीं, वो तो नॉर्मी है। रूम चेंज करने से वीडियो फनी नहीं हो जाती। कैरी जैसे सारे क्रिएटर्स फेक है, हम असली है। और डिवाइन भी भाई, मुंह की बात छीन ली। कैरी के फैंस कितने अपसेट होंगे, उसने मोहित नहीं बोला। बिपस के घर तुम चले, चामुस के सीधे बने, खुद की ही जेबें भरे, चेहरे के इनके सड़े, इस राखी कभी न फटे, दुश्मन के दोस्तों बने, भूल गए तुम अपनी जड़ें, भूल गए तुम अपनी जड़ें, जब सो देखा तो सच का ये नकली है, घर में राशन की कड़की है, सबकी आपस में बढ़की है, जितने बाली एक लड़की है, सर तुम लग जा ये असली है, स्पॉन्सर ली ही तो चलती। सो गाइस, ये था द लैंड ऑफ बिग बॉस। देखो, बिग बॉस को कैरी मिनाटे से अच्छा होस्ट कोई नहीं कर सकता। अग्रीड, एक्सेप्टेड। मजा आता है वीडियो देखने में मुझे बहुत ज्यादा, ठीक है, इसीलिए मैं चाहती नहीं थी कि यार मैं मिस करूं इस पर रिएक्ट करना, सो मैंने किया। बट एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, कैरी मिनाटी का कंटेंट एंड मेरा ये लुक, क्या कहीं से कहीं तक कुछ मैच नहीं हो रहा? लाइक ऐसे लग रहा है सीता वर्सेस गीता चल रहा है, सीता में बन के बैठी हूँ एंड गीता का कंटेंट चल रहा है। इट्स लाइक समथिंग, यार बहुत दिनों बाद मैं एक कितने इंडियन लुक, थोड़ा सा मैंने कुर्ता वगैरह डाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में मैं एकदम मौसम का हाल सुनाने वाली हूँ। आई फील लाइक न्यूज रिपोर्टर राइट नाउ। सो क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूज रिपोर्टर लग रही हूँ, या फिर ये आउटफिट कैसा लग रहा है? आप लोग मुझे बताओ मेरे को कमेंट में, एंड ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में मुझे बता दो फटाफट, और एंजॉय करो यार वीडियो को। प्लीज स्किप करके मत देखो, वीडियो को एंड तक देखना, एंड लाइक करो यार, प्यार दो इस वीडियो को, क्योंकि ये है प्यार के लायक यार। कैरी मिनाटी वॉज इंस्पिरेशन फॉर अस, सीरियसली He is the best. वीडियो देख के बहुत ही मजा आ गया, माइंड फ्रेश हो गया, मुझे नींद आ रही थी लेकिन मेरी नींद भाग गई और अब मैं शायद एक दो वीडियो और शूट करूं, डिपेंड्स। होप सो कि ज्यादा कुत्तों की भाव भाव आपको नहीं सुनाई दी हो, मतलब उतना ज्यादा नहीं आया हो। बाकी यार एंजॉय करो वीडियो को, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना वो लोग वीडियो देख रहे चुप चुप के, बहुत गलत बात है। पहले सब्सक्राइब करो, पैसा थोड़ी जा रहा है इसमें, सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिस भी वीडियो पे आप रिएक्शन देखना चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ, क्योंकि यार कमेंट में आप लोग मुझे वीडियो के बारे में बताओ, अच्छा लगा बुरा लगा। इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो करके वहां पे अगर आप मुझे डीएम में बताओगे कि इस वीडियो पे रिएक्शन देखना है, तो वहां मेरा ध्यान थोड़ा ज्यादा रहता है, वहां पे मैं थोड़ा एक्टिव रहूंगी एंड वहां मैं देख पाऊंगी कि आप लोग बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वीडियो आएंगी। सो मजा आ गया वीडियो करके, मौज लो यार तुम लोग, लेकिन ईयरफोन लगाना मत भूलना, वरना कोई भी घटना घटेगी उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, एंजॉय करो, टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर।